हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फार्मारॉक्स यूट्यूब चैनल। फार्मारॉक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम सॉल्व करेंगे रेलवे फार्मासिस्ट टेस्ट सीरीज एंड दिस इज अवर पार्ट 42 वीडियो एंड टुडे वी सॉल्व एमसीक्यू नंबर 411 टू 420 विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस ऑन द बेल आइकॉन एंड नेवर मिस एनी वीडियो ऑफ फार्मारॉक्स। टेस्ट सीरीज इज बेस्ड ऑन द सिलेबस पैटर्न ऑफ रेलवे फार्मासिस्ट एग्जामिनेशंस। क्रिएटर्स आर प्रोवाइड यू अ सैम्पल क्वेश्चंस एंड मॉडल पेपर्स एज अ पार्ट ऑफ टेस्ट सीरीज। सॉल्व द क्वेश्चंस एंड इम्प्रूव द कॉन्फिडेंस लेवल बिफोर एग्जामिनेशन। ऑल द बेस्ट एंड गुड लक। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर द फार्मासिस्ट एग्जाम बुकलेट। यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन 9016312020 टू ऑर्डर दिस बुकलेट। So here is the question number 411. C4 cycle was discovered by Hatch and Selsack, Calvin, Hill or Arnold? And right answer is the option A, Hatch and Selsack. Okay, so जो scientist Hatch and Selsack थे जिन्होंने C4 cycle जो था वो है discover किया है। Number 412, relative biological effectiveness RBE is usually referred to damages caused by low temperature, high temperature, encephalitis or radiation. And right answer is the radiation. Okay, so मतलब कि जो RBE है कि relative biological effectiveness, okay, relative biological effectiveness जो यूजली जो रेडिएशन से जो डैमेज होता है जिसको हम कहते हैं RBE। ओके, सो आपको मेनली याद रखना है RBE रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस इज ड्यू टू द रेडिएशन। ओके, सो रेडिएशन के कारण ये जो डैमेज जो है वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 413, कोलेनकाइमा अकर्स इन द स्टेम एंड पेटियोल्स ऑफ क्सेरोफाइट्स, मोनोकॉट्स, डाइकॉट हर्ब्स और हाइड्रोफाइट्स। एंड राइट आंसर इज द डाइकॉट हर्ब्स। ओके, सो जो डाइकॉट प्लांट होते हैं कि प्लांट्स के मेनली दो टाइप के प्लांट होते हैं, मोनोकॉट होते हैं और डाइकॉट। ओके, सो जो डाइकॉट हर्ब्स है उसके अंदर जो कोलेनकाइमा अकर्स इन द स्टेम एंड पेटियल्स ऑफ ए डाइकॉट हर्ब्स। नंबर 414, मैक्सिमम सोलर एनर्जी इज ट्रैप्ड बाय प्लांटिंग ट्रीज, कल्टिवेटिंग द क्रॉप्स, ग्रोविंग अल्जे इन टैंक्स एंड ग्रोविंग ग्रासेस। एंड राइट आंसर इज द ऑप्शन सी, ग्रोविंग द अल्गे इन ए टैंक्स। ओके, सो मैक्सिमम सोलर एनर्जी आप ट्रैप कर सकते हो बाय ग्रोविंग द अल्गे इन ए टैंक्स। ओके, सो टैंक के अंदर जो अल्गे होते हैं उसको समझो कि आप ग्रो करवाते हो, तो इसके कारण आप मैक्सिमम सोलर एनर्जी को ट्रैप कर सकते हो। नंबर 415, द बुक जिनेरा पेंटेरम वॉज रिटन बाय बेसी, हुचिनसन, एंग्लर एंड प्रांटल एंड बेंथम एंड हुकर। एंड राइट आंसर इज द ऑप्शन डी, बेंथम एंड हुकर। ओके, सो जो प्लांट किंगडम्स के बारे में जो पूरी इन्फॉर्मेशंस वगैरह जो है ये बुक जिनेरा प्लांटरम के अंदर जो है वो दी गई है और जिसका मेन ऑथरशिप है बाय बेंथम एंड हुकर। ओके, सो बेंथम एंड हुकर राइट द बुक जिनेरा प्लांटेरम। नंबर 416, कॉर्क कैम्बियम एंड वास्कुलर कैम्बियम आर विच वन, पार्ट्स ऑफ सेकेंडरी एक्साइलम एंड फ्लोएम, पार्ट्स ऑफ पेरिसाइकल, लेटलर मेरिस्टेम्स एंड ऑप्शन डी एपिकल मेरिस्टेम्स। एंड राइट आंसर इज द ऑप्शन सी, लेटरल मेरिस्टेम्स। नंबर 417, विच वन इज ए सी फॉर प्लांट, पपाया, पी, पोटैटो और मेज और कॉर्न। एंड राइट आंसर इज द ऑप्शन डी, मेज एंड कॉर्न। ओके,
जो मेज है कौन है जिसको हम सीफर प्लांट जो है वो कहते हैं. फॉर 1.8 द प्रैक्टिकल पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज टू एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ट्रेस द इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, नेम द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड ऑप्शन डी फैसिलिटेट आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ नॉन ऑर्गेनिज्म. सो क्वेश्चन ये है कि जो मेन प्रैक्टिकल पर्पस क्या है कि जो हम आप जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म हो उनका क्लासिफिकेशन करते हैं, कि समझो कि प्लांट है, ओके, हर्बल्स जो है उसका हम पूरा क्लासिफिकेशन करते हैं, माइक्रोबियल्स है तो उसका भी पूरा हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन देखते हैं, एनिमल्स का अच्छे से पूरा हम क्लासिफिकेशन बनाते हैं. तो व्हाट इज़ द प्रैक्टिकल पर्पस? सो राइट आंसर इज टू फैसिलिट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन ऑर्गेनिजम्स. ओके, जितने भी हमें अननोन ऑर्गेनिजम्स अलग अलग मिलती है उसके बारे में आइडेंटिफिकेशंस करने के लिए हम जो है वे वो क्लासिफिकेशन करते हैं. इट इज द प्रैक्टिकल पर्पस बिहाइंड दैट. फॉर 1.9 सीव ट्यूब्स आर सुटेड फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड बिकॉज दे पोजेस बॉर्डर्ड पिट्स, नो एंड्स वॉल, ब्रॉडर ल्यूमेन एंड परफोरेटेड क्रॉस वॉल्स एंड ऑप्शन डी नो प्रोटोप्लाज्म एंड राइट आंसर इज द ऑप्शन सी ब्रॉडर ल्यूमेन एंड परफोरेटेड क्रॉस वॉल्स. ओके, कि जो सीव ट्यूब्स जो है वो सुटेबल है फॉर द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड बिकॉज उनके पास क्या है कि ब्रॉडर ल्यूमेन है एंड परफोरेटेड क्रॉस वॉल है, कि जिसके कारण इजीली हम ट्रांसपोर्टेशन करवा सकते हो ऑफ फूड एंड ए वाटर. फॉर 20 क्लोरोफिल अकर्स इन ऑल फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, इन ऑल हायर प्लांट्स, इन ऑल ऑक्सीजन लिबरेटिंग ऑटोट्रॉप्स एंड ऑप्शन डी ऑल प्लांट्स एक्सेप्ट द फंगाई. सो क्लोरोफिल ए अकर्स इन, मतलब कि क्लोरोफिल मेनली प्रेजेंट किसके अंदर है या फिर किसके अंदर प्रोड्यूस होता है? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑल ऑक्सीजन लिबरेटिंग ऑटोट्रॉप्स. ओके, कि जो भी ऑक्सीजन को लिबरेट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का एजम्पशंस करते हैं एंड ऑक्सीजन लिबरेट करते हैं, कि जितने भी ऑटोट्रॉप्स है कि जिनके अंदर क्लोरोफिल इज ए मेन पार्ट. ओके, क्लोरोफिल इज अकर्स इन ए ऑल ऑक्सीजन लिबरेटिंग ऑटोट्रॉप्स. सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग. मैसेज टू ज्वाइन अवर व्हाट्सएप ग्रुप, सेंड योर नेम, सिटी नेम एंड व्हाट्सएप इट टू 9426180836. फार्मारॉक्स व्हाट्सएप ग्रुप्स. यू कैन ऑल्सो कॉन्टेक्ट मिस्टर अमर रावल, ऑनर एंड फाउंडर ऑफ फार्मारॉक्स द वे ऑफ सक्सेस, ऑन हिज व्हाट्सएप नंबर 9016312020. So good luck and all the best.